गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो नई लिपस्टिक्स जो मैंने ली है purple.com से. दिस इज़ फ्रॉम NY Bay स्टेक वर्की. दिस आर अफोर्डेबल लिपस्टिक, बहुत अफोर्डेबल है. तो मैंने सोचा मैं इसमें कोई मेटालिक रेंज आई है NY Bay में तो मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जो ब्रांड्स हैं अभी काफ़ी purple.com पे चल रहे हैं. तो मैंने दो शेड्स लिए हैं NY Bay लिक्विड मेटालिक लिपस्टिक्स में, और ये मैंने एक लगाया हुआ है इसमें से शेड. तो इन दोनों के बारे में आज हम बात करें. इसका पैकेजिंग है कुछ इस तरह से, सिंपल है. यहाँ पे NY Bay प्रिंटेड है, ब्लैक कैप, और यहाँ पे आपको कलर दिख जाएगा. सो पैकेजिंग वाइज इट्स फाइन. और ये जो है वो लिक्विड मेटालिक लिपस्टिक्स है, बट इसमें जो मेटालिक शीन आपको चाहिए वो इतनी नहीं है. तो बॉटल में आपको थोड़ी बहुत दिख जाएगी. और इसका जो एप्लीकेटर है वो इस तरह से है, जो काफ़ी बेंड हो जाता है. तो अब जब लगाते हो तो इट्स वेरी सॉफ्ट. तो कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम है, मैंने इसके कुछ रिव्यूज़ देखे थे, और कुछ लोग कहते हैं कि इट्स ईजी. अब मैंने जब यूज़ किया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एप्लीकेटर वाइज कि वो बहुत बेंड हो रहा है या बहुत सॉफ्ट है. इट वॉज़ ओके, मतलब लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे. जब सिर्फ यहाँ पे लगाते हो आप तो वो काफ़ी बेंड हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि कहीं टूट ना जाए. इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे तो इसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है. जहाँ तक इसके फॉर्मूला, टेक्सचर और पिगमेंटेशन की बात है, इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है. जैसे आप देख सकते हो मैंने ये इसका डार्क शेड मरूनी शेड लगाया हुआ है. पिगमेंटेशन इज़ रियली गुड, और इट्स बिट ड्राइंग. जैसे मुझे अभी फील हो रहा है कि देयर इज़ समथिंग ऑन माई लिप्स. तो टेक्स्चर वाइज मैं नहीं कहूँगी कि काफ़ी स्मूथ और नॉन ड्राइंग है, मुझे टेक्स्चर ठीक ठाक लगा. सबसे बुरी बात मुझे इसकी लगी वो ये कि इसका फ्रेग्रेंस या इसका स्मेल बहुत ही ख़राब लगा मुझे. ना अगेन इट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन, मुझे वो काफ़ी केमिकली लगा और मुझे अच्छा नहीं लगा. उसकी वजह से मुझे लिपस्टिक ट्राई करने में भी डर लग रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज. बट क्योंकि मुझे रिव्यू करना है, मैंने सोचा कि आई जस्ट ट्राई इट. ट्रांसफ़र प्रूफ है तो यू कैन सी नथिंग इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड, कुछ नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है. और बाकी मैंने पानी वानी पी के देखा तो थोड़ा सा आया था, नॉट मच. तो ये काफ़ी देर तक चलेगा, आपको ट्रांसफर प्रूफ अच्छी लिपस्टिक चाहिए. तो मैंने दो शेड्स लिए हैं, एक है नंबर 3 7 Peaches एंड दूसरा है नंबर 6 Excellent विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ. ओवरऑल अगर मुझे इस लिपस्टिक्स के बारे में बोलना है प्रोज एंड कॉन्स में, तो प्रो नंबर 1 इज़ इट्स नॉट दैट मेटालिक, काफ़ी सोबर सी मेटालिक लिपस्टिक है, पास से ही पता चलेगी, ज़्यादा नहीं दिखेगी. तो ये एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. दूसरी है कि ये अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल लिक्विड लिपस्टिक आजकल, पिगमेंटेशन अच्छा हो ऐसी कम मिलती है. अब कॉन्स की बात करेंगे तो इसका फ्रेग्रेंस बहुत ख़राब है, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसको मतलब बुरे पॉइंट्स में पकड़ूंगी. दूसरी बात, ये थोड़ी सी ड्राइंग है तो आपको थोड़ा ड्राई ड्राई सा इफ़ेक्ट देगी. तीसरी बात, ये ज़्यादा मेटालिक नहीं दिखती है, क्योंकि जब हम मेटालिक लिपस्टिक्स कहते हैं तो जितना होना चाहिए उतना नहीं है. तो ये पॉइंट मैंने प्रो और कॉन दोनों में रखा है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसको किस तरह का मेटालिक पिगमेंटेशन चाहिए. तो ये है सारे प्रोज एंड कॉन्स. तो यही है मेरा रिव्यू इन प्रोडक्ट्स के बारे में. होप आपको पसंद आया होगा. पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए. बाय बाय, ठीक है.